नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ग्रामीण गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष पनप रहा है। आरोपों की माने तो ग्रामीण कई बार संबंधित अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आलम यह है कि ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के वाड्रफ नगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरुवत में ग्रामीण लोग गंदे नाले, तालाब व डोढ़ी के जल को पीने को मजबूर हैं। जब इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बात की गई थी तो उन्होंने बताया कि हम वहां जल्द से जल्द पेयजल की व्यवस्था कराएंगे। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम सुंदर। क्या समस्या है आपकी? हमको पानी की समस्या है। पानी की समस्या है? कब से है ये समस्या? बहुत दिन से। बहुत दिनों से? तो कहाँ से पानी पीते हैं आप लोग? नाला में। नाला से पानी पीते हैं? कब से पीते हैं वहाँ का पानी? बहुत दूर से। बहुत दिन हो गया। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर है, लंबा। बहुत लंबा है। तो अभी तक पंचायत या जिम्मेदार अधिकारी की तरफ पानी की व्यवस्था नहीं कराया गया है का? नहीं करें तब ना। नहीं तो आप लोग इसके बारे में किसी से बात किए? किए हैं वकील। किससे बात किए हैं? सरपंच। सरपंच से बात किए? क्या बोले वो? हो जाए, हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं आप? सुविधा चाहते कि पानी का सुविधा हो, कि गंदा नाली का पानी हम लोग न पिए। तो इससे तो बीमार भी होते होंगे आप लोग। हाँ, होते हैं। तो यहाँ रोड की व्यवस्था है? रोड की व्यवस्था तो नहीं है वकील। यहाँ गाड़ी आ सकता है पानी का? बोरिंग आ जाएगा? आ जाएगा। का नाम है तोर? सुखमन। सुखमन, तो का समस्या है तोर? मोर समस्या भाई पानी करता हूँ। हाँ, पानी सुविधा हमरन के नहीं खे। तो तुमन के यहाँ कुआं हुआ नहीं खुदवाई ने का? नहीं। पंचायत से या तुमन के कुआं नहीं है क्या भाई? आदेश तो करल रहे कि मिल ही। हाँ, तो कहे कि नहीं हो पा रही। तो कहाँ जाता तुमन पानी पिए? ललना में। ललना? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। कितने लोग जाते हैं पीने के लिए? कितने घर के? सभी घर भर कर सब लोग जाते हैं। हाँ, सब लोग जाते हैं। तो यहाँ हैंडपम्प खुदाई नहीं हुआ है? नहीं। तो इसके बारे में बात नहीं किए कहीं? भाई बात करे तो भाई कहे के हो जाए तो नहीं हो पारिस। तो कहाँ चाहते पर? हमरे वही टंकी चाहत है कि पानी कर हैंडपम्प खुदाई हो। जो व्यवस्था यहाँ पानी का नहीं है जी, तो क्या है पूरा मामला? क्या है? पानी की व्यवस्था किया जाएगा। तो कब से व्यवस्था नहीं है यहाँ? यहाँ तो हम लोग छोटे छोटे से तब से यहाँ नहीं है व्यवस्था। तो यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो निवासी हैं, हाँ, वो कहाँ जाते हैं पानी पीने के? नाला पे। नाला का? हाँ। आपको पता है कि नाला का पानी पीते? हाँ, हम लोग यहाँ। तो सरपंच जी, जब वो नाला का पानी पीते हैं तो आपके द्वारा क्या व्यवस्था कराया गया है उनको वर्तमान में? अभी तो वर्तमान में क्या व्यवस्था बताऊं, ये नल के लिए तो बोल रहा हूँ। क्योंकि शासन क्या है ना, हर एक एक से योजनाएं चलाती हैं कि गरीबों को किसी भी चीज़ का दिक्कत ना हो। तो इनको जब पानी, ये नाला का पानी कई वर्षों से पी रहे हैं, तो आपको इन मतलब जो नापन पी रहे हैं इनको, आपके द्वारा क्या व्यवस्था कराया गया? हाँ, कराएंगे व्यवस्था। कराएंगे आप जी? लेकिन अभी हुआ नहीं है व्यवस्था? अभी नहीं हुआ है, नल का व्यवस्था नहीं है। पीएचसी वालों को बोला गया है लेकिन अभी लोग यहाँ खोदे नहीं है। आपके द्वारा पीएचसी विभाग को दिया, क्या इस पानी का जो व्यवस्था नहीं है, क्या इसके बारे में कभी आप जनपद स्तर पर जो अधिकारी हैं, मुख्य कार्यपालाधिकारी सीओ हैं या एसडीएम सर हैं, क्या उनको अवगत कराए इसके बारे में? इसके बारे में उनको अवगत नहीं कराए हैं, लेकिन हम लोग 14वां वित्त मूलभूत से खुदवाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं हुआ है? हाँ, यहाँ पर नहीं हो पाया। तो महोदय, यहाँ कब तक हो जाएगा ये सब संचालित व्यवस्था? कब? ये अभी पानी की व्यवस्था गर्मी में ही होगा। गर्मी में होगा? मई जून में। मई जून में? हाँ, उधर खुला मौसम में गाड़ी भी आ पाएगा नहीं तो इससे मुश्किल है। अब वो रोड बनाएंगे तो नहीं वैसे तो यहाँ नहीं हो सकता है। वैसे वजन गाड़ी यहाँ कहाँ चढ़ पाएगा? देख लीजिए आप। ग्रामीणों का कहना है, जो यहाँ की निवासियों का कहना है कि नहीं, अगर अगर ये लोग आने के लिए जो गाड़ियाँ होती है, अगर गाड़ी नहीं आ पाती तो हम लोग रास्ता बनाएंगे आने के लिए। और हाँ, पीछे से रास्ता है तो आ जाएगी गाड़ी, तो कब तक बोरिंग खुदाई हो जाएगा यहाँ? बोरिंग अगर गाड़ी आ जाता है तो हो जाएगा, मतलब गाड़ी यहाँ तक पहुँच जाती है तो बोरिंग तत्काल हो जाएगी। हाँ, तत्काल हो जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।